टिप किप से निकले हमें 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे चादर टूट चुकी है ऑलमोस्ट। चलिए देखिए पानी, वो पानी जैसमन पानी। एंड में पानी घुस गया हमारे जूतों में, बहुत ज़्यादा ठंडा है। उसके आगे हम पहाड़ से क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं आगे कैसे निकलते हैं। हाथ भी एकदम सुन हो गए, हाथ सुन सीखे, पैर और दस सुन सीखे, देखते हैं आगे। सवाल ध्यान से, ओह
अभी 12:45 हो रहा है और मैं अपने लंच पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। आज सुबह का रास्ता काफी खतरनाक रहा एंड उससे पहले मेरे साथ एक और इशू हुआ था, बताता हूँ। सुबह मैंने सोचा एक थोड़ा गर्म पानी मुँह धोलूं, तो मैंने गर्म पानी लिया तो मैंने मुँह पे छिड़का, हाथ मेरे जम चुके थे पेन करने लगे। एंड यहाँ पहाड़ों में जहाँ जीरो टेम्परेचर होता है वहाँ पे अगर आपके हाथ ठंडे पड़ जाए या पैर भी ठंडा पड़ जाए तो क्या होता है कि फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। अगर फ्रॉस्ट बाइट हो गया तो उससे आपको बचने के लिए 6 से 7 घंटे का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और नहीं कराने पर आपको हाथ काट दिया जाता है। उसमें काफ़ी होते हैं, चादर तो हुआ है मगर इतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो चादर टूट चुकी थी जैसे मैंने आपको दिखाया। उसमें आने टाइम आखिरी के 2 स्टेप में मेरे बूट्स में पानी घुस गया, वो और ज़्यादा पेनफुल था। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चढ़े, फिर नीचे आए, फिर पानी आया एंड फिर उससे बचने में हमने क्या किया कि जैसे नीचे आए धूप की तरफ आगे धूप मिलते ही हमने अपने बूट्स उतारे, उससे हमने पानी निकाला और सॉक्स सारे चेंज कर लिए। मेरे पास वॉमिज भी थे तो मैंने उनको अपने पॉकेट में डाल के गर्म कर लिया ताकि मेरे हैंड थोड़े गर्म हो जाए एंड तब तक मुझे हैंड बार बार क्लैप करते रहना पड़ा क्योंकि बहुत टाइम तब तक हाथ गर्म हो जाए, रब करते रहना, तब जाके फिर हाथ नॉर्मल है, पैर चल सकते हैं ठीक हो चुके हैं, अब जाकर फिर नॉर्मल है। देखता हूँ बाकी क्या हाल चाल है और किसी को सब कहना चाह रहे किसी से ले नहीं सकते, सो देखते हैं क्या करना है और दिखाता हूँ आपको आगे का। बस आगे ऐसी हालत ना आए दोबारा। क्या हाल है सबके? इतनी खुशी? अरे खुशी जो चढ़ चढ़ के आए वही तो खुशी था। घर वापसी हो गई, घर वापसी। बस अब मैगी आने के लिए मैगी क्या पता नहीं जो भी है गर्म रहना चाहिए। और अभी बस हम अपने बेस कैंप से 1 घंटे की दूरी पे हैं, खाना हमने खा लिया, थोड़ी एनर्जी आके चलने लाए और कल तक हमें ट्रैक लग रहा था कि बहुत इजी है, बस क्या टेम्परेचर तो सहना है, बट आज जाके हमें पता चल गया चादर इतनी आसान नहीं है। और ऊपर से चादर में बस 2 ही चीज़ की मेन प्रॉब्लम है, एक रात को स्लीपिंग बैग में घुसना और दूसरा वॉशरूम जाना, दोनों काफ़ी कष्टदायक हैं। बट ठीक है, अगर प्रॉपर तैयारी के साथ आया जाए तो उतनी दिक्कत नहीं होती। ब्लॉग के एंड में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है, बैकपैकिंग कैसे करनी है एंड एक और चीज़ कि ये ट्रैक सस्ता कैसे किया जा सकता है, दिखाता हूँ आपको एंड में। शाम के 3:30 बज रहे हैं और मैं शिंगणाकोमा की कैंप साइट पहुँच चुका हूँ। ये जो मेरे पीछे है ये है मेरे पूरा कैंप बेस। अभी सामने का व्यू काफ़ी अच्छा, व्यू सामने सूरज है, नीचे नदी बह रही है और चारों तरफ बर्फ, तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। जाएंगे कुछ पिक्सल करेंगे और सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज करेंगे एंड हाँ धूप खत्म होने से पहले हमें कुछ अच्छी फोटोज भी चाहिए तो वो भी करेंगे। और हाँ, अब मैं वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रिप खुद से कैसे की जा सकती है और सस्ते में कैसे की जा सकती है, बट उसका एक सेपरेट पार्ट बनाऊंगा इस पार्ट के बाद में।